स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका मेरे चैनल पे इशाय से शर्मा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जर्मनी में अगर कोई मास्टर्स करने के लिए आता है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, कि क्या क्या वीडियो क्या क्या उसको ज़रूरत हो सकती है डॉक्यूमेंट्स की और क्या क्या चीज़ें उसको ध्यान रखनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में और फटाफट देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट की उसको ज़रूरत है। हाँ तो दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं इसका लिंक डाल दूंगा वीडियो के नीचे, क्योंकि ये मैंने जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट से उनकी चेकलिस्ट है उसमें से देखा है। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट लगेगा, बहुत जाहिर सी बात है। उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म वीज़ा भरने का, तो वो ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। तो जब आप वो चेकलिस्ट खोलेंगे ना, तो एम्बेसी ने उसी चेकलिस्ट में वो जो URL है वो मार्क किया हुआ है, तो आप वहाँ क्लिक करके जा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। तो ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन भरने के बाद वो सबमिट हो जाएगा, बस ये है कि ऑनलाइन आप भरोगे फिर आप उसका डायरेक्ट प्रिंटआउट निकाल सकते हो और वो प्रिंटआउट आपको लेके जाना है। ऑफलाइन में आपको अपने हाथ से भरना पड़ेगा, मतलब पेन का इस्तेमाल करके, लेकिन ऑनलाइन में आप कंप्यूटर से भर सकते हो और फिर उसका प्रिंटआउट ले लीजिए और साथ रख लीजिए। तीसरा, आपको डिक्लेरेशन भरना पड़ता है। डिक्लेरेशन में लिखा है एडिशनल कॉन्टैक्ट एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसमें पूछता है कि भाई आप कौन सा ईमेल एड्रेस इस्तेमाल करना चाहते हो, कौन सा फ़ोन नंबर आप इस्तेमाल करना चाहते हो, आप नहीं होगे तो आपके बिहाफ पर कौन किसको हम कॉन्टैक्ट करें। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये भी आपको उसी चेक लिस्ट पर उसका URL तीसरे नंबर पर मिलेगा, आप उसको खोल सकते हैं, तो वो फिल करके प्रिंट आउट करके उसका ले जाइएगा। तीसरा है, चौथा है आपका पासपोर्ट की जो डेटा पेज की आपकी जो कॉपी है, वो फ्रंट पेज जिसमें आपका नाम होता है और आपका डेट ऑफ बर्थ होता है और लास्ट पेज जिसमें आपके मदर फादर और आपका एड्रेस होता है, वो लिखिएगा। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मोटिवेशन लेटर, कवर लेटर और मोटिवेशन लेटर आप रख सकते हैं। एक्चुअली कवर लेटर क्या होता है, कवर लेटर में आप डिस्क्राइब करते हैं कि आपका पढ़ने का ये कारण है और आपने ये एप्लीकेशन आप इसलिए सबमिट कर रहे हैं कि आप पढ़ने चाह रहे हैं और इसके साथ मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करे हैं, तो वो उस आप कवर लेटर में आप लिखते हो। तीसरा होता है उसके बाद है मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर में आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आपका कारण क्या है कि आपने जर्मनी को क्यों चुना, क्यों आप जर्मनी में पढ़ना चाहते हो, या फिर ऐसा क्या है जो आपकी कंट्री में नहीं है हम जर्मनी में हैं। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। इसमें आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपना मोटिवेशन लेटर लिख सकते हो और बिना किसी की हेल्प के भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने बिना किसी की हेल्प से मोटिवेशन लेटर लिखा था। उसके बाद आपका जो कॉलेज, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उसका वो मिले, आपको जो एडमिशन का जो कन्फर्मेशन है वो आपको उनको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद दो तरीके का होता है, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। तो कोशिश कीजिएगा कि अनकंडीशनल ही मिले आपको, क्योंकि कंडीशनल में क्या होता है कि वो कहते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हम वहाँ जब आप जमा करोगे तब हम आपको देंगे कंडीशनल लेटर। तो अनकंडीशनल वैसे दे देते हैं जब अगर वो वो सारी चीज़ चेक कर लेते हैं कि क्लियर है या नहीं है। उसके बाद आता है कि लैंग्वेज का। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई IELTS करना ज़रूरी है या फिर जर्मन सीखनी ज़रूरी है, क्या करना ज़रूरी है। तो यार देखो, ये तो आप पर्टिकुलर कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। अगर आपके कॉलेज में IELTS की डिमांड है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन कई कॉलेज क्या होता है, कई कॉलेज आपको ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने बैचलर्स इंग्लिश में करी है तो आपको IELTS देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वही दिखा दीजिए कि आपने जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश था, और वो आपको यूनिवर्सिटी वाले आपको एक लेटर देंगे कि हमको इंग्लिश IELTS की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने अपना जो बैचलर्स है वो इंग्लिश में किया हुआ है, तो उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद ज़रूरी है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं डाल दीजिएगा उसमें, जितने भी हैं। 10th का ना डालें तो चलेगा, लेकिन 12th के बाद का आप ज़रूर डालें, 12th और 12th के बाद का। और कोई आपने कोर्स किए हुए हैं या जर्मन लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेशन किया हुआ है A1 या A2, तो वो भी डालिएगा कि आपकी फाइल थोड़ी मजबूत हो। उसके बाद CV आपका, करिकुलम वेटे भी डालिएगा कि उसमें दिखाया जाएगा, उसमें जैसे आपको पता है करिकुलम वेटे में क्या होता है कि कैसे कब आपने क्या किया, आपके बारे में एक ब्रीफ सी जानकारी उन्हें मिलेगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस कि आपकी जो जर्मनी में आप आओगे
तो जर्मनी में आपकी जो स्टडी करते वक्त का जो खर्चा है वो कौन उठाएगा? तो उसमें तीन ऑप्शन है, या तो आप कन्फर्मेशन मिलेगा आपको जर्मन यूनिवर्सिटी से या कोई स्कॉलरशिप आपको मिली हो, दूसरा जो होता है इनका फ्यापली शक्लियारूम, ये होता है कि कोई स्पॉन्सर जो जर्मनी में रहता है वो आप वो एक लेटर या फिर इनके यहाँ टाउन हॉल में जाके वो एक लेटर लिखता है कि इनकी जो भी कॉस्ट है यहाँ रहने की, खाने पीना या जो भी खर्चा है वो मैं लूँगा। और तीसरा उसके बाद जो है, जो बहुत से स्टूडेंट या सभी के हैं या मैंने भी ऐसे ही किया है, ब्लॉक बैंक अकाउंट, तो ब्लॉक बैंक अकाउंट वो कराना होता है एक साल के लिए, और उसकी एक साल की जो कॉस्ट होती है वो होती है 10,332 यूरो। तो जब भी आप भरें एक बार वेबसाइट पर चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बढ़ती रहती है, कभी ये पहले 8,000 थी, अब 9,000 हुई, फिर 10,000, ऐसे यूरो के आसपास बढ़ती रहती है। और कहाँ से आप करा सकते हैं ये ब्लॉक बैंक अकाउंट? अगर आप कोई जर्मन कोई क्या कह सकते हैं उसको, जर्मन कंपनी के थ्रू करवाते हैं वैसे भी करवा सकते हैं। अगर आप इंडिया में ब्लॉक बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, बहुत सारे तो नहीं हैं लेकिन वैसे हाँ 3-4 ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है या फिर कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड है या डॉयचे बैंक है, तो आप ऐसे करवा सकते हैं। मैंने कोटक महिंद्रा में खुलवाया था। और इस ब्लॉक बैंक अकाउंट की बात ये होगी कि आप एक महीने में 861 यूरो से ज़्यादा निकाल नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने एक महीने का जो एस्टिमेट खर्च है, मतलब जर्मन सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए एक महीने का जो एस्टिमेट खर्च लगाया है वो 861 यूरोस लगाया है, और इसको इन्होंने 12 से मल्टीप्लाई किया है तो 10,332 यूरो बनते हैं एक साल के लिए। तो ये 861 यूरो से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसके बाद है पासपोर्ट पिक्चर आपकी लगेंगी 3, और उनकी स्पेसिफिकेशन एक बार आप ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, वो स्पेसिफिकेशन आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, या फिर आप फोटोग्राफर्स के पास जाओगे उनको भी पता होता है, आप उनको बोल दीजिए कि वीज़ा एप्लीकेशन के लिए वो चाहिए, तो वो उनको पता होती है, वो खींच के आपको दे देंगे। उसके बाद वीज़ा फीस, वीज़ा फीस का हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ दिल्ली के सेंटर में जब मैं गया था मींस इसी जनवरी को, जनवरी 2021 में, तो सिर्फ दिल्ली सेंटर में था कि कैश और डिमांड ड्राफ्ट, बाकी सारे सेंटरों में डिमांड ड्राफ्ट चलता है। तो आप दिल्ली के VFS सेंटर में जा रहे हैं तो कैश और डिमांड ड्राफ्ट आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा नीचे, आप चेक कर लीजिएगा, कभी कभार ये अपडेट भी हो जाती है। तो डिमांड ड्राफ्ट और कैश सिर्फ चलता है दिल्ली के VFS सेंटर में, अदर उसमें सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट चलता है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आप इसमें लिखा है अप्रॉक्स 3 महीने का करवा के चलिए। असल में क्या है, यूट्यूब में आप देखेंगे तो कहते हैं हम आपको ट्रिक बताएंगे कि आप सिर्फ एक महीने का लेंगे, एक महीने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अच्छी बात है, उनका नहीं होता, एक महीने का वो ले लेते हैं और एक महीने में काम चल जाता है, जबकि इसमें लिखा है कम से कम 3 महीने का होना चाहिए, ठीक है नहीं आता। लेकिन अगर उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया ना तो आपका रिजेक्ट भी हो सकता, रिजेक्ट तो नहीं होगा, बस आपको दोबारा वो बोलेंगे कि आप लो अपना इंश्योरेंस और आपका टाइम फिर फंसेगा। तो उससे बेटर है कि 3 महीने का आप इंश्योरेंस लें। कैसे ले सकते हैं? जो आप डेट प्लान कर रहे हैं, डेट जैसे मान लीजिए मैंने जब सबमिट कराया था, तो जब भी आप डेट प्लान कर रहे हैं उस डेट प्लान से 15-20 दिन पहले का या उस डेट प्लान से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो डेट आपने सोची है ट्रैवल करने की, ज़रूरी नहीं है कि आपको वीज़ा उसी डेट के मुताबिक मिले, तो ये थोड़ा टाइम गैप देख के आप चलिएगा, ठीक है। ये ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है, तो यही डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है, और इनके उसमें स्टार्टिंग में लिखा है कि 2 आइडेंटिकल सेट्स बनाने हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स आप कलर प्रिंट ले जा सकते हैं तो कलर प्रिंट ले जाइएगा, अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा नीट एंड क्लीन लगता है और फ़ायदा भी रहता है कि जो भी चेक कर रहा है उसको अट्रैक्शन पड़ता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ब्लॉक बैंक के अलावा वो पूछते हैं कि आपकी फ़ीस कौन पे करेगा, तो जो फीस पे करने के लिए जो भी व्यक्ति हैं, जैसे आपके मदर फादर या कोई भी व्यक्ति है, तो उनकी बैंक स्टेटमेंट ज़रूर लगती है, बैंक स्टेटमेंट लगती है, और साथ ही साथ अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो 3 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6 महीने की, और जो सैलरी स्लिप है वो 3 महीने की। तो मैंने अपने फादर का दिया था, तो उनकी फादर की 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट मैंने दी थी, और साथ ही जो क्या कहते हैं मैं भूल गया, हाँ उनकी जो सैलरी स्लिप थी वो मैंने लगाई थी, क्योंकि वो ज़रूर पूछेंगे कि आपको आपकी जो फीस वो कौन भरेगा, ये तो ब्लॉक बैंक अकाउंट जर्मनी में रहने का है लेकिन आपकी फ़ीस कौन पे करेगा, तो वो भी आपको दिखाने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही लगती है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा,
कोई जर्मनी आने वाला है व्यक्ति उसको दिखाइएगा, क्योंकि टू द पॉइंट बात है, ज़्यादा मैंने कुछ घुमाया फिराया नहीं है इसमें। और मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप देखिएगा, आपको लगता है सही तो अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तब मिलेंगे अगली वीडियो में। तो सभी ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।